दोस्तों देसी इंजन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को भी दबाइए और अपना अगला वीडियो जल्द से जल्द पाइए। मोर मकड़ी। मोर मकड़ी पिकॉक स्पाइडर को उसका नाम इसके जीवंत रंगों और शानदार हरकतों के कारण दिया गया है। मोर मकड़ियां आकार में छोटी लेकिन आक्रामक और रंगीन होती हैं और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। लगभग सभी अन्य मकड़ियों की तरह मोर मकड़ियां भी जहरीली होती हैं, लेकिन उनका जबड़ा इतना छोटा होता है कि वे हमारी त्वचा को घायल नहीं कर सकती। वे भोजन के लिए टिटी और अन्य मकड़ियों को मार सकती हैं। जब समय आता है वे अपने आकार से 3 से 4 गुना बड़े शिकार को झपट कर लेके जा सकती हैं। मोर मकड़ियां अपने शिकार को पकड़ने के लिए जाले नहीं बुनती, बल्कि इसकी बजाय पीछा करके शिकार करती हैं। जब सेक्स की बात आती है तो ये नर मोर मकड़ी के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल होता है। जब नर मकड़ी मादा मकड़ी को देखता है तो नर मकड़ी एक श्रृंखला में नृत्य करती है। वो जमीन के माध्यम से मादा को कंपन भेजता है। नर मकड़ियां सेक्स के लिए नहीं, जीवन के लिए नृत्य करती हैं। इन जरूरतों की पूर्ति के लिए नर मकड़ी अपने पीछे आकर्षक झिलमिलाते पंखों से फैन से नृत्य करता है। ये नृत्य प्रत्येक जाति का अद्वितीय होता है, लेकिन अधिकांश नृत्य कामुक पैर और पिछला भाग हिलाने वाले होते हैं। नर अक्सर जमीन पर और कभी मादा के सिर पर चढ़कर अपने नृत्य को रोक देता है। मकड़ियों के कान नहीं होते हैं और इसके बजाय वे अपने पैरों से जुड़े अंगों के साथ सुनते हैं। ये थरथराने वाले कंपन जमीन के माध्यम से मादा के पैरों तक पहुंचती हैं, जो बहुत गर्म होते हैं। उसकी रुचि का अनुमान लगाने के बाद नर अपने चमकीले रंग के पेट को ऊपर और नीचे करता है और अपने रंगीन लंबे पैरों के साथ एक विशेष तरीके से आगे पीछे होता है। यदि नृत्य संतोषजनक नहीं है और नर मादा की प्रतिक्रिया नहीं सुनता है तो कुछ मादा अधिक आक्रामक तरीके से प्रतिक्रिया देती हैं। नर को डांटती हैं। अगर मादा को नर पसंद नहीं है तो वे उन्हें खाने के लिए दौड़ती हैं। यहाँ मादा मकड़ियों का पूरे चीज पर बहुत अधिक नियंत्रण होता है। संभोग के बाद मादा मोर मकड़ी आधा दर्जन अंडे देती हैं और पूरे समर्पण के साथ खाए बिना 2 सप्ताह के लिए अंडे की रखवाली करती है। मोर स्पार्क लिम्फिन और स्कलेरोटू की 2 नई प्रजातियां हाल ही में खोजी गई हैं।